अभी मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामेंट में चुन के आता हूँ। ये अच्छी बात है कि जो विद्वान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इनका समर्थन बहुत आवश्यक होता है। पर इनका जिसको समर्थन होता है वो चुनाव नहीं जीतता। चुनाव जीतता कौन है? जिसको रिक्शे वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, झोपड़पट्टी के मवाली, जो एक साथ होकर जब साथ देते हैं तो चुनाव की मार्जिन बढ़ती है। मैं 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीता हूं, पर मेरे को रेड लाइट एरिया में 90% वोट मिले, क्योंकि वहां भी मैंने काम किया। अलग अर्थ मत निकालना। वहां रोड बनाए, वहां लाइट लगाए, उनके पुनर्वसन की योजनाएं चलाई, सिलाई मशीन दिलाई। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक ने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। उसने कहा था, वोट फ्रॉम द पुअर एंड मनी फ्रॉम द रिच। पर यह सही बात नहीं है, हमें सबका वोट भी चाहिए। तो इसके लिए वी नीड टू डेवलप अवर पर्सनैलिटी वेयर वी हैव गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मैं जब टूर करता था, मैं यंग था, तो एक बार मैं हेलीकॉप्टर से निकला, मुंबई से निकला, और मैं 4 दिन उनके साथ था। उनका असिस्टेंट के रूप से मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था महाराष्ट्र में, तो हम अलग अलग जगह सभा होती थी। तो अटल जी ने मुझे एक बार बोलते हुए कहा, देखो नितिन, एक याद रखो जीवन में, तुम्हारे घर में कितने भी लोग आए तो भी एक एक मिनट क्यों ना हो, उनको मिले बिना कभी निकल नहीं जाना। थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है, अभी मैं झेड प्लस में हूँ, मेरे पास 50-60 तो पुलिस वाले ही रहते हैं, वो कोई आने नहीं देता। नज़दीक आए तो लोगों को धक्के मार देते हैं, दुश्मन ऐसा मत करो। उनका भी काम है, क्योंकि कभी 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 काफ़ी आजकल धोखे भी होते हैं। पर कहीं ना कहीं ये लोग जो है प्रेम करने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर याद रखता हूँ कि जब तुम गाड़ी में घूमते हो तो रोड के बाजू में स्कूटर वाले, साइकिल वाले, रोड के फुटपाथ के लोग हंसते हुए अगर तुमको सलाम करते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मैं, मेरे बाजू में एक मित्र बैठा था, उसको कह रहा था कि जो लोग रुक रुक के, एक ने मेरा फोटो निकाला, एक ने हाथ दिखाया। मैंने बोला, ये जब तक खुश है तब तक हम है, जब तक ये नाराज हो गए तो ये सिक्योरिटी भी गई, गाड़ी भी गई, सब कुछ गया। वो तो क्या है, मंत्री है तब तक सलामी है, मंत्री पद गया रह गया कि ये तुरंत निकल जाते सब, ये किसी के नहीं। पर जो कार्यकर्ता है, जो व्यक्ति है, जो मित्र है, जो सुख दुख में हमारे साथ काम करता है, वो लाइफ लॉन्ग हमारा मित्र होता है। तो सबसे पहली बात रखिए कि ह्यूमन रिलेशनशिप को अच्छा रखिए, बिजनेस में भी। बहुत लोग सोचते हैं हमारे देश की समस्या विचार भिन्नता नहीं है, विचार शून्यता है। Neither rightist nor leftist, we are known opportunist. तो ये सब जो पद होता है, सत्ता होती है, उसके पीछे दौड़ते हैं, ये मत करिए। Shortcut cut you short. अगर आपको लॉन्ग कट भी पड़ता होगा तो भी ह्यूमन रिलेशनशिप को टिकाना, संबंधों को बनाना, और अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को अपने परिवार के कर्मचारी लोग ऐसा समझ के बिहेवियर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बीच में एक किताब पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, स्टारबक्स का। उसमें उन्होंने, वो एक ट्रक ड्राइवर के लड़के थे और माँ उनकी नर्स थी और गरीब परिवार के थे, तो वो एक जगह एक कॉफ़ी शॉप में उनको नौकरी लग गई। और नौकरी लगने के बाद वहीं से कुछ पढ़ते हुए समझते हुए उन्होंने अपना एक कॉफ़ी शॉप खोला। आज पूरे यूरोप में, अमेरिका में उनकी कम से कम 25,000 फ्रेंचाइजीज हैं। वो उनका अमेरिका में मैं गया था, सैन फ्रांसिस्को नहीं, अपने सियाटल में, उनका एक बड़ी बिल्डिंग का ऑफिस है, कॉरपोरेट ऑफिस। उनका किताब में उन्होंने अच्छी बात लिखी थी, उनके सक्सेस के बारे में जब उनको कहा, पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलता है तब उसकी खुशी केवल आपको होती होगी, तो दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस।
पर उस जिस सक्सेस की खुशी आपसे ज्यादा आपके मित्रों में, आपके सहकारियों में, आपके परिवारजनों में, आपके दोस्तों में, उससे भी आपसे भी ज्यादा होती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। और यह उसी समय संभव होगा। देखिए, शालीनता, नम्रता, सहजता, सरलता, सर्वसमावेशकता हमारा कल्चर है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट, यू विल गेट इट। आर्किमिडीज ने बताया वो बिल्कुल सही है कि जितने वजन की वस्तु पानी में डालो उतना ज पानी ऊपर है। आप कितने भी नाटक करो, कितने कैसे भी कपड़े पहनो, कुछ भी करते रहो, लोग आखिर समझे जाते हैं आप क्या है। थोड़ा समय लगता है क्योंकि नकली माल का शाइनिंग ज्यादा होता है। ओरिजिनल जो माल होता है वो थोड़ा सा कम शाइनिंग वाला होता है। देखो, नेचुरल रहो और उसी से ही लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा।